क्या इसको भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जरा बोलिए डिटेल्स में। जरा बोल दो ना जे थोड़ा सब्सक्राइब वब्सक्राइब कर देने के लिए। अरे ऐसे कर देते हैं, तुम्हारा तो पूरा फैन फॉलोअर्स है, सबको जानता है, लकड़ा बोल के बोले से एक ही। ए सवास। आप सबको जोहार, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर में आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेहंदी लगा दे रही थी क्योंकि आज रक्षाबंधन है, वो मैं अपनी बुआ को लगा दे रही थी, तो सोची मैं भी थोड़ा सा लगा लूँ, इसलिए हाथों में आज लगाई हूँ मेहंदी। तो शाम का टाइम है, अभी मैं जा रही हूँ बुआ लोगों के घर में, क्योंकि वहीं पर आज का प्रोग्राम जो है करने वाली हूँ मैं। अपने दोनों भाइयों को वहीं पर राखी बांधूँगी। तो हम लोगों के यहाँ पे जो है ना, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ और बुआ लोग के साथ में हम लोग मिलके राखी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आया हुआ है राखी, जो कि चेन्नई से आया हुआ है, बहन लोग चेन्नई में रहती है, तो भाई लोगों के नाम में राखी भेजती है। ये मयंक और नीरज के नाम में, और ये सनी के नाम में भी, लेकिन सनी फ़िलहाल है नहीं, इसलिए उसे ये बाद में मिलने वाला है। तो फिलहाल मैं मयंक और नीरज को बांध दूँगी। तो मयंक को मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मयंक कहीं चला गया था, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आई, तो देख रही हूँ वो यहाँ पे राखी बंधवा रहे हैं अपनी, ये फ्रेंड भी है प्लस बहन भी। ओ अच्छा, हेलो एवरीवन, आप सबको जोहार। और आज के इस राखी उत्सव में आप सबको राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा यहाँ पे दो जन भाई लोग बैठा हुआ है, इनको भी मैं राखी बांधूंगी। मुझसे ज़्यादा तो शायद यही एक्साइटेड है। तो मैंने अपना राखी का प्लेट तैयार कर लिया है, ये मैंने दो बनाया है, और ये जो है मेरी बहन लोग दूर से, बहुत दूर से भेजी है अपने भाइयों के लिए। तो चलिए आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ये बहन लोग भेजा है बहुत दूर से, चेन्नई से आया है ये राखी। तो राखी बांधना हो गया है, राखी दिखाओ। तुम राखी दिखाओ। मेरा तो राखी बांधना हो गया, मैं सिर्फ दो जन को ही बांधती हूँ, लेकिन मेरा बुआ लोग अभी बांधेंगे और उस वक्त और वीडियो शूट करूंगी, तो बने रहिए पूरे वीडियो में।